कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल मुनव्वर फारूकी जिस वक्त सबसे ज्यादा चहेते कंटेस्टेंट बन चुके हैं, जनता हो या फिर मुनव्वर फारूकी के फैन, हर कोई मुनव्वर को पसंद कर रहा है। और इस बीच मुनव्वर फारूकी का वो लुक देखने को मिला जिससे हर कोई अनजान था। दरअसल मुनव्वर फारूकी हाल ही के एपिसोड में होते हुए नजर आए। अपकमिंग एपिसोड का एक नया प्रोमो आउट हुआ जिसमें दिखाया गया कि मुनव्वर फारूकी नील भट्ट के सामने रो रहे हैं अपने 5 साल के बेटे को याद करके। क्या है पूरी खबर तो देखिए। अपने 5 साल के बेटे को याद कर रो पड़े मुनव्वर फारूकी, नील भट्ट के सामने आई पूरी कहानी। जी हाँ, रियलिटी शो बिग बॉस 17 बीते हफ्ते शुरू हुआ और कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बिना वजह लड़ रहा है तो कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। खैर, बीते एक हफ्ते से जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनका नाम है मुनव्वर फारूकी। कभी उन्हें गुस्साते हुए देखा तो कभी मनारा चोपड़ा को समझाते हुए। शेरो शायरी से खूब फेमस हुए मुनव्वर फारूकी, हालांकि अब वो रोते हुए नजर आए अपने बेटे के कारण। शो के अपकमिंग एपिसोड में प्रोमो में दिखाया गया जिसमें इमोशनल हुए मुनव्वर फारूकी। आपको बताते चले कि लोकप शो में खुलासा किया था कि उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, उनका एक बेटा भी है, हालांकि वो बीवी से अब अलग रहते हैं। कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। जब शो खत्म हुआ वो विनर बनकर बाहर निकले तो उनकी गर्लफ्रेंड नजीला के बारे में खुलासा हुआ। उनका ब्रेकअप और पैचअप की खबरें आती रहती है लेकिन दोनों का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अब इस वीडियो में 31 साल के मुनव्वर हो रहे हैं और वो कंटेस्टेंट नील भट्ट के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो 5 साल का है, अब वो मेरे साथ है, मैं उसे बहुत मिस करता था और वो मेरे साथ है। अभी जब 3-4 महीने गुजरे हैं उससे मैं इतना कनेक्ट हो गया हूँ, उसकी याद मुझे आ रही है, वो मेरे साथ पूरा समय देता है, मुझे वो अलग अलग तरीके से हिट करता है। बिग बॉस की अगर बात करें तो मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा की स्पेशल बॉन्डिंग देखने को मिली। कंगना रनौत के सामने मुनव्वर ने कहा था कि अगर कोई मनारा को छेड़ेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप इस शो को कलर्स चैनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे और शनिवार और रविवार रात 9 बजे देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।